हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। और आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये दिख रही ना रेसिपी गर्मा गर्म और मुंह में आ गया ना पानी, तो ये है गर्मा गर्म कॉर्न और इसको मकई के दाने भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये मेरा तो फेवरेट है और आप सभी लोगों का भी होगा। और रियली आप लोगों को देख के मुँह में तो ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो अगर इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये आप चाय के, जैसे शाम को चाय बनाए हैं तो ये स्नैक के रूप में आप खा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, तीखा चटपटा एकदम मस्त। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी जान लेते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में बनाया है और आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊँगी कि इसको कैसे झटपट बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे रखना है गैस पे कढ़ाई और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड करना 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और तेल को अब गर्म होने देंगे। और ये है हमारा जो है मकई का दाना मतलब कॉर्न, और इजीली मार्केट में मिल जाता है और काफ़ी ये समय तो बहुत चल रहा है, ये तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। और इसके जो दाने मैंने निकाल दिए अच्छे से धो के, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है, जो पानी अच्छे से निकाल दिया, इसको सुखा लिया है, मतलब पानी नहीं है इसमें, और अच्छे से धो लेना है हमें। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद एक कढ़ाई में हमें डाल देना और अच्छे से अब इसे चलाना है। और पहले तो हम इसे 2 मिनट तक पहले ढककर अच्छे से चलाएंगे अभी हम, क्यों और इसे ना थोड़ा सा पकने के लिए कुछ आपको 10 मिनट तो जाएगा। अगर आपको अच्छा से पकाना है तो 10 मिनट आप रख लीजिए इसको पकाने में। और इसे ढक्कन ढक के और फिर बीच में ढक्कन हटा के आपको इस तरीके से चलाना है। और अभी देखिए 2 मिनट तक अच्छे से मैंने पकाया। उसके बाद अब मैं मसाले कुछ डालूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाऊँगी। अब इसे जो है भी मैं 5 मिनट तक ढक कर अच्छे से पकाना है और आपको बीच में ढक्कन हटा के इसे चलाना भी है। और ये सभी का फेवरेट है, आप इसे छोटे से लेके बड़े तक सब खाते हैं और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर ढक के पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढककर अच्छे से 5 मिनट पकाया और आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है कॉर्न का, और कितना प्यारा लग रहा है ना कलर। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे चटपटा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब तीखा करने के लिए यहाँ पे मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से ये करना है। और हाँ, और 1 चम्मच जो मैंने डाल दिया चाट मसाला, अब इसे अच्छे से मिलाकर अब मैं 2 मिनट और इसे पकाऊँगी जो मसाले है अच्छे से ये कॉर्न में लग जाए। तो चलिए 2 मिनट के लिए और ढककर पका लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद इसे एक कटोरी में मैंने निकाल लिया है गर्मा गर्म कॉर्न मतलब मकई के दाने। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने तरीका आप लोगों से शेयर किया है। और मेरी रेसिपी, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लाइक करना जरूर भूलिएगा मत। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू।